ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड T20 आई मैच खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम 11 प्रेडिक्शन एंड पिच रिपोर्ट कवर करने वाला हूँ कि आज के स्टेडियम में कौन सा खिलाड़ी चलेगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं चलेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कल के मैच में आपको बता के रखा था, आपको लेवल विस्टर को कैप्टन बना के जाना है और यम शॉट को वाइस कैप्टन बना के जाना है। उससे पहले आपको यहाँ पर लास्ट तक देखेगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप ड्रीम 11 चेंजर होना चाहते हैं तब सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो आज का कौन सा वो छह खिलाड़ी रहेगा जो अपने ड्रीम 11 में लेकर जाना है एंड उससे इंपोर्टेंट होने वाला है कि कल का प्रेडिक्शन यानी कल का टीम मेरा देख सके। आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जॉस इंग्लिश को मैंने अपने टीम में ले रखा था एंड यहाँ पर फिलिप सार्ट को, यानी मेरे टीम में दोनों खिलाड़ी डीटी देकर गए। बट यहाँ पर आपको नीचे जैसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेविन लिविंगस्टन को मैंने कैप्टन बना के रखा था ट्रेविस हेड, यानी मेरे पास अभी चार खिलाड़ी डीटी मिल गए। सैम करन डीटी में नहीं मिल पाए थे लेकिन यम शॉट को मैंने अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना के रखा था और यम टेलीग्राम पे दिया था और अपने वीडियो में भी बताया था। लेकिन मार्कस स्टोनिक 0 पॉइंट बैटिंग करने का ऑप्शन मिला था, आउट हो गए थे और बॉलिंग से पॉइंट नहीं दे पाए थे। लेकिन आज के मैच में यह आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, इनको अपने टीम में पिक करके जाना है। कॉमरन ग्रीन एंड यहाँ पर विल जैक्स, यानी दोनों खिलाड़ी यहाँ पर देखा जाए तो फ्लॉप साबित हुए थे। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर बॉलर की बात करें तो मैंने एडम जंपा को ले रखा था, ये भी फ्लॉप गए थे। यहाँ पर असेन एबर को ले रखा है, हर एक मैच में 3 से 2 विकेट रहता है तो इनको अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हैं। आगे अगर इसमें देखा जाए तो सबसे इंपोर्टेंट, अगर पहले मैचेस की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो इसमें सबसे अच्छा पॉइंट देखा जाए ट्रेविस हेड 59 रन, मैथ्यू शॉट 41 रन एंड जॉस इंग्लिश 37 रन। और उस बार लेविन लिविंगस्टन 3 विकेट लिए थे पहले T20 में और उसके बाद साकी महमूद एंड जोफ्रा आर्चर लिए थे, पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान से देखेगा, अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में क्या चेंजेस हो सकता है। पहले T20 की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा तो इसमें आपको जो रन बनाते हैं लेविन लिविंगस्टन 37 रन, फिलिप शॉट 20 रन एंड सैम करन 18 रन एंड सेन एबर 3 विकेट लिए थे, एडम जंपा 2 विकेट लिए थे और सेकंड T20 में विकेट नहीं निकाल पाए थे। लेकिन जॉस हेजलवुड नहीं खेले थे और ये भी पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। और आपको यहाँ पर ध्यान से देगा, अब दूसरा T20 की बात करें मेरे भाई तो यह सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पिछले मैचेस का रिव्यू नहीं देखेंगे तब तक आप ड्रीम 11 चेंजर नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो जैक फ्रेसर सेकंड T20 में 50 रन बनाए थे, जॉस इंग्लिश यहां पर 42 रन एंड ट्रेविस हेड पिछले मैच में 31 रन एंड मैथ्यू शॉट पिछले मैच में 28 रन बनाए थे। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो लेविन लिविंगस्टन पिछले मैच में 2 विकेट एंड यहां पर क्रेसर पिछले मैच में 2 विकेट एंड आदिल नसीर पिछले मैच में 1 विकेट, सैम करन पिछले मैच में 1 विकेट निकाल कर लाए थे। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें बैटर में तो लियाम लिविंगस्टन पिछले मैच में 87 रन एंड यहाँ पर ब्रेटेल की बात करें पिछले मैच में 44 रन, फिलिप शॉट पिछले मैच में 39 रन एंड विल जैक्स की बात करें पिछले मैच में 12 रन बनाए थे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलर की बात करें तो इसमें 2 ही बॉलर विकेट निकाल कर दिला पाए थे, पहला मैथ्यू शॉट 5 विकेट निकाल के दिलाए थे एंड यहाँ पर सेन एबर्ट पिछले मैच में 2 विकेट निकाल कर दिलाए थे। दोस्तों आपको ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिछला जो मैचेस गया था मैंने आपको बताया के रखा था कि आपको बैटिंग सपोर्ट मिलेगा, बैटिंग सपोर्ट मिला। इस बार आपको ध्यान से देखिएगा किसको किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला होने वाला है, आगे मैं आपको क्लियर बता दूंगा। उससे पहले अगर यहां पर देखा जाए तो ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम इंग्लैंड की अगर पिचेस की बात करें तो इसमें जो टोटल मैचेस खेला गया मेरे भाई 13 मैचेस खेला गया, लेकिन पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार विन कर चुकी है, सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम 6 बार विन कर चुकी है एंड फर्स्ट इनिंग का स्कोर 154 एंड सेकंड इनिंग का स्कोर 127 रन जाने वाला है। लेकिन टोटल हाईएस्ट की बात करें तो 199 पर 5 विकेट गया है, लोवेस्ट पर 103 पर 10 विकेट गया है। लेकिन हाईएस्ट चेसेस की बात करें तो 199 पर 5 गया है और यह हाईएस्ट भी गया है और ये स्कोर में और इसमें चेस भी हो गया है। लेकिन अगर लोवेस्ट डिपेंडेंट की बात करें तो 150 पर 3 विकेट गया है। लेकिन अगर इसमें टोटल विकेट की बात करें तो इस स्टेडियम में तो 64 विकेट गिरा है जिसमें से पेसर 39 विकेट निकाल चुका है और स्पिनर इसमें 25 विकेट निकाल चुका है। अब आपको ध्यान से देखिएगा अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा चेंजेस क्या है यहाँ पर देखने के मिलेगा तो स्टेडियम के बारे में क्यों बात करें तो यह स्टेडियम जो होने वाला है मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस स्टेडियम की पिच गेंदबाजी के अनुकूल है, यहाँ स्पिन गेंदबाज बल्ले रहता है, यानी जो बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल कर देता है यहाँ पर तेज गेंदबाज को भी मदद। लेकिन शुरुआती के 10 ओवर में उन्हें अंत के ओवर्स में बड़े शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट भी खोना पड़ेगा, इस बात को ध्यान से देखें। नीचे अगर इसमें देखा जाए तो सबसे इंपोर्टेंट इन दोनों के बीच में प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तीसरे मैचेस का अगर
प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले नंबर पर अगर इसमें देखा जाए तो फिलिप सार्ट हो सकते हैं एंड विल जैक्स, तीसरे नंबर पर जॉर्डन क्रेप्स एंड चौथे नंबर पर लेवन लिविस्टन, पांचवे नंबर पर वेरटेल हो सकते हैं, छठे नंबर पर सैम करम, सातवें नंबर पर ओवरटेल, आठवें नंबर पर जोफ्रा आर्चर इस बार खेलने वाले हैं एंड नौवे नंबर की बात करें तो आदिल रसील, दसवें नंबर पर साकिब महमूद एंड यहाँ पर ग्यारह नंबर पर रीस टोपले हो सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए यह मैच क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक मैच विन किया है और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें एक ही मैचेस विन किया है, यानी आज जो मैचेस विन करेगा वो सीरीज ले जाएगा। इस बात को ध्यान से देखेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए प्लेइंग 11 में तो पहले नंबर पर ट्रेविस हेड, दूसरे नंबर पर मैथ्यूस और तीसरे नंबर पर फ्रेशर आने वाले हैं वो, चौथे नंबर की बात करें तो जोस इंग्लिश, पांचवें नंबर पर कैमरन ग्रीन, छठवें नंबर पर मार्क स्टोनिक, जब फ्रेशर की जगह पर मिचेल मार्श नहीं खेले थे, ट्रेविस हेड कैप्टन किए थे एंड यहां पर टीम डेविड सेन, बट यहां पर एक्स ब्रेटेल इसमें नहीं अवेलेबल है, उनके जगह पर हो सकता है जोस हेजलवुड खेल जाए एंड एडन जंपा होने वाले। लेकिन आपको ध्यान से देखेगा अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है मेरे भाई तो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने कल सारे भाइयों ने ज्वाइन करके रखा हुआ ज्वाइन भी है वो सारे विनिंग किए होंगे। सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया का अगर पहले नंबर पर मैथ्यू शॉट को देखा जाए तो पहले टी20 आई की बात करें 20 रन, दूसरे टी20 आई में 28 रन अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन ट्रेविस हेड की बात करें पहले मैच में 59 रन, दूसरे मैच में एबी टीम में शामिल थे, तीसरे नंबर जैक फ्रेशर पहले मैच में 0 पर आउट, दूसरे मैच में 50 एंड उसके बाद जॉस इंग्लिश दोनों ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए, इनको अपने टीम में पिक करके जा सकते हैं। 35वें नंबर पर कॉमरन ग्रीन जो पिछले मैच में 13 रन एक विकेट, इस बार इस मैच में 13 रन ही बना पाए थे। मार्क स्टोनिक पिछले मैच में 10 रन एक विकेट, इस मैच में इन्होंने 0 पॉइंट दिया था। टीम डेविड की बात करें दो मैच से फ्लॉप जा रहे तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करके जाना। सेन एबर्ट की बात करें पिछले मैच में 2 विकेट, पहला टी20 में 4 रन 2 विकेट एंड एस ब्रेडमैन इस बार नहीं खेलने वाले एंड इनके जगह पर हो सकता है कोई अदर बॉलर हो जाए, लेकिन ये भी अच्छे खासे फॉर्म करके दिला सके। एडम जंपा पिछले मैच में 0 विकेट, पहला टी20 में 2 विकेट एंड उससे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले जो सेजलवुड इस बार खेलने वाले हैं, तो इनके पिछले मैच में 2 विकेट एंड 2 रन भी बनाते, उसके पिछले मैच में 2 विकेट निकाल के दिलाया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा कि इसमें अगर इंग्लैंड का देखा जाए तो इंग्लैंड का रिसेंट फॉर्म क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर अगर इसमें देखा जाए तो फिलिप सार्ट जो पिछले मैच में इन्होंने 20 रन बनाया था, बाकी सेकंड टी20 में इन्होंने 39 रन, विल जैक्स 6 रन 12 रन एंड जॉर्डन क्रॉस की बात करें 17 रन 0 विकेट 0 रन पिछले मैचेस की बात करें, लेविन लिविस्टन दो ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए 37 रन 3 विकेट पहला टी20 में, दूसरे टी20 में 87 रन 2 विकेट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों ही मैच में इन्होंने कैप्टन काम किया था, पहले मैच में तो अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। पांचवें नंबर की बात करें तो जोबा बैटमैन पिछले मैच में 44 रन ए भी बॉलिंग क्रैक के ऑप्शन दिला सकते हैं, छठवें नंबर पर सैम करन ए विकेट 18 रन ए विकेट एंड जेमी ओवरटेल की बात करें इनका भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जोफ्रा आर्चर इस बार खेलने वाले पिछले मैच में 2 विकेट निकाल कर दिलाए थे, आदिल रसील पिछले मैच में 7 रन ए विकेट, यहाँ पर साकिब महमूद की बात करें पिछले मैच में 0 विकेट पहला टी20 में 2 विकेट एंड उससे ज्यादा इंपोर्टेंट रिस टोपले की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट निकाल के दिलाई थी। यही आपको रिसेंट फॉर्म हो सकता है इंग्लैंड का, लेकिन कौन सा खिलाड़ी अपने घरेलू की टीम में पिक कर रहा है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले इन 6 खिलाड़ी को अपने टीम में पिक करके जाना है, क्योंकि टी20 की फॉर्मेट में या जो 3 खिलाड़ी होंगे सबसे यूनिक सबसे अलग होंगे। पहले पर लेवन लिविस्टन को ट्राई करके जा सकते हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एंड मैथ्यू शॉट को 434 पॉइंट और 423 पॉइंट यानी दोनों ही अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं। आदिल रसील 253 पॉइंट, कॉमरन ग्रीन 405 पॉइंट एंड वी क्रिस की बात करें 194 पॉइंट, सेन एबर 335 पॉइंट, सबसे यूनिक या 6 खिलाड़ी होंगे, इन 6 खिलाड़ी को ट्राई करके जा सकते हैं। लेकिन आज का कौन सा वो 11 खिलाड़ी रहेगा जो अपने ड्रीम 11 में टीम में लेकर जाना, जॉस इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेंज लगेज के लिए एंड फ्लिप साल्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे एंड जे फ्रेशर एंड विल जैक्स एंड ट्रेविस हेड, बहुत सारे लोग विल जैक्स को अपनी टीम में ड्रॉप करेंगे, लेकिन थर्ड टी20 है ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाने वाले। एंड यहाँ पर अगर ऑलराउंडर एंड बॉलर की बात करें तो ऑलराउंडर की बात करें लेविन लिविस्टन में फिर इस बार में अपनी टीम में कैप्टन बना के यम शॉट को अपनी टीम में नहीं बना के रखा है, मार्क स्टोनी को ले रखा है एंड एडम जंपा एंड सेन एबॉट एंड आदिल रसील को ट्राई करके जा रहा है, जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप करके रखा है, बाकी फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो टीमें मिलती है ना मेरे भाई सबसे यूनिक सबसे अलग तरीके से मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।